हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ शेयर के बारे में, जो लगातार गिरावट पे गिरावट देने के बाद में आज के दिन की करंट प्राइस देखें तो लगभग 5 रुपये 20 पैसे के आसपास करंट प्राइस देखने को मिलती है, और आज के दिन के देखें लगभग 3.70% की गिरावट देखने को मिल जाती है। लगभग 4% के आसपास इसका गिरावट देखने को मिल जाता है, जो अच्छी खासी गिरावट है आज के दिन की देखें तो। लगभग ओपनिंग की बात करें दोस्तों आज के दिन की, तो लगभग 5 रुपये 55 पैसे पे ओपन हुआ था और हाई गया था 5 रुपये 55 पैसे और लो आया 5 रुपये 15 पैसे। अब ये स्टॉक प्रीवियस क्लोज के अंदर 5 रुपये 40 पैसा था शुक्रवार के दिन, वहाँ से उठ के गिर के 5 रुपये 20 पैसे के अंदर आ चुका है, यानी 0.20% के अंदर गिरावट देखने को मिलती है आज दोस्तों, जो अच्छी खासी गिरावट है, ठीक है। और 5 दिन की चार्ट पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, 5 दिन के अंदर भी लगभग 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों 5 दिन की चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 2 दिन का इसके अंदर अपर सर्किट रहा, फिर 2 दिन के बीच में अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो 5 दिन के अंदर चार्ट पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 दिन में लगभग 5 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ गया था, ठीक है। अब मंथली की बात करें दोस्तों, मंथली में भी अभी भी 5% रिटर्न इसका पड़ा है, ठीक है। और यहाँ से बाय करने के लिए सजेस्ट किया था मैंने आपको 4 रुपये 75 पैसे के आसपास, और लगभग 3 रुपये 80 पैसे के आसपास साइज चला गया था। मैं देख के चार्ट पैटर्न देख पा रहा हूँ, हाँ 4 रुपये 75 पैसे के गिरा, और वहाँ से 4 रुपये के 75 पैसे के आसपास मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, 4 रुपये 75 पैसे 80 पैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए बोला, और वहाँ से स्टॉक चल के 5 रुपये 80 पैसे तक आया था, ठीक है। और मैंने बोला था अगला जो इसका टारगेट था करीबन 7 रुपये 90 पैसे इसको तोड़ देगा, तो दोस्तों तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर, तो कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं। आज के दिन देखें तो लगभग करीबन सभी स्टॉक के अंदर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, मार्केट क्रश ना होने की मतलब हुआ है नहीं हुआ, मतलब अच्छा खासा क्रश हुआ है, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। अब करीबन देखें तो मार्केट तो पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिलता है, प्लस पॉइंट में चला, फिर भी गिरावट, सभी अच्छे खासे स्टॉक गिर गए, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादा भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हो क्यों रहा है उसकी खास वजह है कि दोस्तों लोगों को क्या है कि डर पैदा हो गया, ठीक है, इसके अंदर कि यार अभी होल्डिंग करेंगे तो फिर फंस जाएंगे ये वो, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आने वाले फ्यूचर के लिए इसको होल्ड कर सकते हो आप, शॉर्ट टाइम का मत सोच के बाय करिए इसको, लॉन्ग टाइम के लिए सोच के बाय करिए ना, 2 साल 5 साल तक होल्डिंग करके रखो, आपको 100+ जाता हुआ नज़र आ जाएगा दोस्तों, ये स्टॉक 100+ चला जाएगा 2 साल पार करते ही। आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपकी मर्जी भाई, बाय करो या ना करो, मेरा काम था देखो आपको बताना, मैंने अपनी पूरी एनालाइज करके ही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में साल भर की चार्ट पैटर्न देखें तो 1 साल के अंदर भी आज भी 104% 5% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो अच्छा खासा है, ठीक है। एक बात तो क्लियर कट है दोस्तों कि कैपिटल अमाउंट इसके अंदर सेफ रहा है, ठीक है, लॉस में नहीं गया। जो आज से 1 साल पहले पैसे लगाए होंगे, जो करीबन आज से 1 साल पहले ये स्टॉक 2 रुपये 54 पैसे के आसपास ट्रेड करता था, तो उसने पैसा डबल कर लिया, ठीक है, 1 साल के अंदर पैसा डबल कर लिया, 1 लाख लगाए होंगे तो 2 लाख बना लिए 1 साल के अंदर। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 100 टाइम में आप 6 मंथ का देख लीजिए, कोई रिटर्न नहीं है इतना खास, ठीक है, 6 मंथ का तो फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है, 61-62% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। मंथली का देख लीजिए, 5 दिन का देख लीजिए, 1 दिन का देख लीजिए, और 5 वर्ष की बात करें लगभग आज भी यहाँ भी पैसा डबल मिलता है आप लोगों को। अगर 5 साल पहले बाय किया होता तो आराम से पैसे, 5 साल को छोड़ो 1 साल पहले किया होता तो अभी पैसा आराम से डबल किया ले होते। और ऑल टाइम की चार्ट पैटर्न देख रहे हूँ दोस्तों, स्टॉक गिर के कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है स्टॉक गिर के, लास्ट 5 रुपये 4 रुपये 95 पैसे बस, इससे ज़्यादा ये स्टॉक नहीं गिरने वाला। हो सकता है कल के दिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, और बाकी इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला,
4 रुपये 95 पैसे, 5 रुपये बस लास्ट। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे मिलती है, जो करीबन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे हिसाब से मेरे हिसाब से नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ से वापस और पॉजिटिव पॉइंट की ओर मोमेंटम कर जाएगा। अब बात करें कुछ लोगों ने हाई प्राइस पे बाय किया, तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों घबराए ना आप। 2 साल तक होल्डिंग बना के रखिए इस स्टॉक को, और आने वाले फ्यूचर में आप अच्छा खासा रिटर्न कमा के निकल जाओगे, ठीक है। तो होल्ड बना के रखिए, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आप कृपया करके ना सोचे ऐसे स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया और आज भी बोल रहा हूँ। और अपना अमाउंट डालने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले दोस्तों, क्योंकि फिर फ्यूचर में ना प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों को, इसीलिए मैं हर रोज़ बताता हूँ आप लोगों को। और आने वाले फ्यूचर के लिए आप ऐसे स्टॉक के बारे में ज़रूर सोचे, और शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। शॉर्ट टाइम वाले इससे दूरी बना के रखे, ठीक है। कम से कम आपके अंदर 2 साल का पैसेस है होल्ड करने का, तो आप लोग इसको आंख बंद करके बाय कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। मेरा काम था बताना, मैंने आपको सजेस्ट किया, बाय करो ना करो वो अपनी मर्जी है। अपनी एनालाइज ज़रूर करिएगा दोस्तों, एनालाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है। उस पहले स्टॉक का नाम आप देख लेंगे, विकास लाइफ केयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।